हेलो दोस्तों, फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद स्कॉर्पियो इनके रियल फीचर्स और डिटेल लीक सामने आए रसलेन की मदद से। तो अब ये पता चल जाएगा कि बिग डैडी ऑफ एसयूवी किस हालत में आएगा 27 जून को, फैंसी ड्रेस में आएगा या फिर कच्चे में। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। तो इन डिटेल्स और लीक के अंदर ये नहीं बताया गया कि जो इंजन मिलेगा वो कितना सीसी का मिलेगा, लेकिन इंजन के पावर फिगर सारे बताए गए हैं। तो डीजल इंजन की बात करें सबसे पहले, तो डीजल इंजन जो मिलेगा वो 172 bhp और 370 nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा 6 स्पीड मैनुअल के लिए, और 172 bhp की पावर और 400 nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा ऑटोमेटिक के लिए। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो 197 bhp की पावर और सेम एज इट इज XUV700 की तरह पावर फिगर देखने को मिलेगा। वहीं इसके अंदर आपको चारों ट्रिम मिलेंगे, 4x4, 4x2, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल चारों प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सटीरियर की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो को पूरी तरह से बिग डैडी मान के ही लॉन्च करने वाली है। टायर साइज की और टायर की बात करें तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको 18 इंचेज के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील मिलेंगे और मैनुअल वेरिएंट में आपको 17 इंचेज के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा आपको वो 205 mm के साथ में मिलेगा, यानी महिंद्रा इसे काफी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में लॉन्च करने वाली है। बाकी और एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो रियर पेंटालिक सस्पेंशन मिलेगा आपको रियर साइड में। ऑप्शनल मोड बता ही दिए मैंने आपको, 4x4, 4x2 ऑटोमेटिक और मैनुअल मिलने वाले हैं आपको। फुल एलईडी फ्रंट फॉग लैंप मिलेंगे सराउंडेड बाय फुली एलईडी स्कॉर्पियो टेल DRL। वो इसके अंदर और फीचर्स की मैं बात करूं तो महिंद्रा का जो लुक है वो आपको काफी क्लासिक लुक देखने को मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अपन इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सेफ्टी फीचर्स पर। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो लेटेस्ट जनरेशन का ESP मिलेगा आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड मिल जाएगा आपको, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर जो सेफ्टी को देखते हुए XUV700 में भी नए ऐड किए गए तो वो सब मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको जो नहीं मिलेगा वो है एडास और उससे जो रिलेटेड कुछ फीचर्स थे वो आपको इस बार स्कॉर्पियो N में देखने को नहीं मिले। वहीं इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद मिलेंगे। चलिए इंटीरियर की अब बात करते हैं। तो इंटीरियर की बात करूं तो इसके अंदर जो सबसे अट्रैक्शन होगा स्कॉर्पियो के इंटीरियर का वो होगा ब्राउन लेदरेट इंटीरियर इंक्लूडिंग विद ब्राउन ड्यूअल टोन फिनिश लेदर सीट। यानी स्कॉर्पियो N का जो इंटीरियर आने वाला है वो स्कॉर्पियो के पूरे ही लुक को चेंज कर देगा, और इसके इंटीरियर को देख के ऐसा लगता है जैसे फॉर्च्यूनर और एंडेवर को भी इंटीरियर के मामले में पीछे छोड़ने वाला है। 12 स्पीकर सोनी सिस्टम विद 3D साउंड स्टैकिंग मिलेगा आपको, यानी 12 स्पीकर का सोनी का साउंड सिस्टम दिया गया है महिंद्रा स्कॉर्पियो N में, सेम एज ए XUV700। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग व्हील मिल जाएंगी। पुश स्टार्ट बटन स्टॉप टेक्नोलॉजी भी दी गई है। नॉर्मल सनरूफ मिलेगा, पैनोरामिक नहीं मिलने की बात आई है इस लीक में। वहीं इसके अंदर आपको नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलेगा। तो अपन ने एक्सटीरियर देख लिया, इंटीरियर देख लिया और इसके सेफ्टी फीचर्स की भी बात कर ली, इंजन की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके कलर्स की कि स्कॉर्पियो आने वाले स्कॉर्पियो N में आपको कितने कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो कलर ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 7 कलर के शेड्स देखने को मिलेंगे, व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड का भी ऑप्शन आपको इस बार देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो N में। तो अब जो लीक सामने निकल कर आए थे उनकी लगभग अपन ने बात कर ही ली, रसनेल की मदद से ही लीक सामने आए थे। इनमें अपने इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया, सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली, इंजन की बात कर ली, लेकिन अब जो मेन बचता है प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग। तो लॉन्चिंग स्कॉर्पियो ने कंफर्म कर ही दी है, 27 जून को इसे लॉन्च करने वाला है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। बाकी जो प्राइसिंग की बात है वो महिंद्रा ने अभी अनवेल नहीं की है, लेकिन प्राइसिंग अगर अपन मान के चले तो 20-30 लेख के अप्रोक्स बीच में जा सकती है। तो ये थी स्कॉर्पियो N के बारे में लीक डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब क्या ये डिटेल आपको सही लगी या गलत, और क्या राय आपकी इस वीडियो पर बताइएगा जरूर हमें कमेंट्स में। और हाँ, स्कॉर्पियो N के बारे में भी अपनी राय कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मुबारक हो, बाप हुआ है, नाम है N, स्कॉर्पियो N, the big daddy of SUVs is here.